थाली भजवा रहे थे तो भी विरोध हुआ, और मोदी जी ने फिर वैक्सीन बना दिया तो भी विरोध हुआ कि ये ताली थाली बजा रहे हैं, दुनिया जो है वैक्सीन बना रही है तो वैक्सीन बनाए। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ही है कि वो, और अपने भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, दो परेड हो रही है, एक परेड की तरफ वो हैं जिनकी बात आप इस पिक्चर में कर रहे हैं और दूसरी वो राजनीति, दोनों चीज़ें इसमें हैं, तो उसको किस लिहाज से देखते हैं कल के विशेष अवसर पर? मुझे लगता है कि हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने की, और अगर ये परेड हो रहा है और वहाँ पे वो अपनी बात कहना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, तो सही है, उनको करना ही चाहिए। और हमें उन पर भी भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है कि जो भी उनको दिक्कतें हैं उसको वो सुलझाएंगे, निश्चित रूप से सुलझाएंगे। मेरे को जी पूर्व में जो रिलीज हुई भारत जी, उसमें सलमान ने बड़ा अच्छा काम किया, फिर उसके बाद ये अब कल आपकी ये 5 बजे अभी आज रिलीज हो रही है, कल तो आपकी कैटरीना कहाँ है? उस भारत में, वो भारत जो थी 2.5 घंटे की मूवी थी, एक छोटी सी मूवी है, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मूवी बनी है, तो इसमें सिर्फ मैं ही हूँ, एक ही किरदार है, और एक ही किरदार जो है भारत के पूरे कौम को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को उसमें बताने की कोशिश। आपने कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ओटी प्लेटफॉर्म पे अगर हिंदू धर्म को लेकर कोई भी टिप्पणी की गई, किसी भी धर्म, मैं ये नहीं लेकर जिस प्रकार से हो रहा है, तो क्या कदम उठाएंगे आप? मुझे लगता कदम यही होगा कि विरोध जैसे चलता है बैन होता है बैन होगा, क्योंकि देखिए आप अपने धर्म की जय जयकार करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांडव लेके क्या कहेंगे आप? किसी तांडव अभी देखा नहीं है, पर देखूंगा तो मैं जो, जो चर्चाएं आई हैं, विरोध हो रहा है तो जरूर कुछ गलत हुआ होगा, तभी विरोध हो रहा है, नहीं तो विरोध नहीं होता। और मुझे, मैंने पहले ही कह दिया कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, ऐसा नहीं है, हर किसी के धर्म में अच्छाई है, सबका आदर कीजिए, पर आप हमारे धर्म की बुराई मत कीजिए। थैंक यू। सवाल कि आने वाले समय में क्या फिर राजनीति में आप पहुंचेंगे और चुनाव लड़ना चाहेंगे? वो तो हमारी पार्टी तय करती है, वो काम हमारा नहीं है, हम एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे हम निभाते हैं। अगर पार्टी हमें कहती है कि आप प्रचार करो, प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ते हैं, कहेंगे पोस्टर चिपकाओ तो वो भी करेंगे, वो हमारा काम। निरहुआ जी, उत्तर प्रदेश सरकार जो है मिशन शक्ति के तहत आज जो है, आज बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को विशेष करके किसी को DM SDM बनाया है जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है कि इस देश में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जो दिख रहा है, विचार दिख रहा है, और जिस तरह से किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय, पूरी दुनिया इसकी सराहना कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। अक्षरा जी, आप क्या कहेंगे भारत की लॉन्चिंग पे? मैं दिनेश जी को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखें, छोटी सी फिल्म, और ज़रूर सराहें। और दिनेश जी हैं और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है, तो अमेजिंग होगा ही होगा, ये श्योर शॉट गारंटी है, बिकॉज ये कुछ अलग करते हैं हमेशा से। और ये भारत जो है, ये अपने आप में कल बहुत शुभ दिन भी है, और मेरे ख्याल से एक अलग मैसेज हम सभी युवाओं के लिए रहेगा इस फिल्म में। शिवगढ़ में आई है, शिवगढ़ के लिए कुछ कहेंगे जी? शिवगढ़ पैलेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिवगढ़ पैलेस में आके, मैं तो पहली बार आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ शूट करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अमेजिंग है। राजा साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप?